यहाँ पर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, वाराणसी से बड़ी खबर, जहाँ पर आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष की याचिका निरस्त की गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने हिंदू पक्ष को प्रार्थना का जो प्रार्थना पत्र है वो खारिज कर दिया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, बड़ा झटका हिंदू पक्ष को लगा है। वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है डीएम को, और इस प्रकार संरक्षित करने से उसको सील नहीं कर दिया जाएगा। और एएसआई ने पूर्व में यही कह करके कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे सील किया है, इसलिए उसका सर्वे किया ही नहीं, तो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ ही नहीं और सील का आदेश भी कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल डोम है, माने जो बीच का गुंबद है, वही उसी के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, उस पर पूर्व के सर्वे में कोई खुदाई नहीं की गई थी। खुदाई करने से स्वयं को विरत रख लिया था एएसआई ने, और जो सर्वे किया था अपना जीपीआर सिस्टम लगा करके, वह उनका रिपोर्ट, उनका सिग्नल केवल 5.8 मीटर तक नीचे तक का दिया। उसके नीचे मलबा और बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर के मिले, जिसके कारण नीचे का रिपोर्ट नहीं दे सका। हमारे तरफ से यही मांग की गई थी कि इस बिल्डिंग को, इस ढांचे को बिना नुकसान किए इससे हट करके कुछ दूरी पर 4x4 का ट्रेंच खोद करके एएसआई नीचे से उस पर, उस सेंट्रल डोम के नीचे पहुंचे और उसकी विस्तृत सर्वे करे और इसकी रिपोर्ट न्यायालय में दे दे। लेकिन किन कारणों से इस न्यायालय द्वारा हमारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है, इसको हम लोग उन ग्राउंड्स को पढ़ेंगे, देखेंगे और देख करके उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील दाखिल करेंगे। अगर ये माना जाए तब तक जा सकते हैं आप हाईकोर्ट? विद इन लिमिटेशन, लिमिटेशन 30 दिन का जिला न्यायालय के लिए है और 90 दिन का उच्च न्यायालय के लिए है। दोनों चीज़ों को हम लोग अभी कंसीडर करेंगे कि हमको जिला न्यायालय में जाना है या उच्च न्यायालय में जाना है। एडिशनल एएसआई सर्वे की मांग क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और पूरे केस को निरस्त कर दिया है, खारिज कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए विजय शंकर अस्तोगी, इस मामले के याचिकाकर्ता और लाल विशेश्वर केस के 91 से आप वाद मित्र भी हैं। आज क्या हुआ कोर्ट में, कब से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि एडिशनल एएसआई सर्वे हो सके? तो देखिए, बड़ी अपडेट और कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। और विनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनीत, क्या अपडेट, जानकारी, कहीं ना कहीं बड़ा झटका हिंदू पक्ष को लगता हुआ? बिल्कुल, देखिए हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। 1991 में एक वाद दाखिल किया गया था जिसमें पूरे परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई थी। हालांकि पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट को निर्देशित किया था कि 6 महीने के भीतर जो है उस पूरे मामले का निस्तारण करें। इसी मामले में पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही थी और पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को उसका बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने जो मांग किया था कि जो शेष बचे हुए स्थल है उसका एएसआई सर्वे करने का मांग किया गया था। इसके अलावा सेंट्रल डोम के नीचे 100 फीट का शिवलिंग होने का जो है हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था। तो ये तमाम जो हिंदू पक्ष का दावा था, आज उसे बड़ा झटका लगा है। उनकी याचिका, उनकी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है। हालांकि हिंदू पक्ष इसको लेकर के अब जो है हाईकोर्ट का भी रुख करने के लिए कह रहा है। हालांकि पूरा जो ऑर्डर है वो अभी पढ़ा नहीं जा सका है, तो किस बेसिस पे याचिका या प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन
जो हिंदू पक्ष है उसका उनकी जो प्रार्थना पत्र है उसे खारिज कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो हिंदू पक्ष है वो हाईकोर्ट का रुख करता है तो क्या कुछ उसमें दलीलें देता है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू पक्ष का ये कहना था कि जो सील वजू खाने का एरिया है, इसके अलावा जो मुख्य गुंबद है उसके नीचे 100 फीट का सीलिंग होने का दावा किया गया था, आज हिंदू पक्ष इसको लेकर के काफी आश्वस्त भी था कि कहीं ना कहीं तो फैसला है हम पक्ष के। ठीक है विनीत, लौटूंगा आपके पास। हिंदू मुसलमान ना बनाए। फास्ट ट्रैक सीनियर डिवीजन कोर्ट हैज पास ऑर्डर टुडे एंड प्लेंटी पब्लिकेशन 432C इज रिजेक्टेड विच एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू एडिशनल SI सर्वे। और विनीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट आपके पास है? चलिए, शायद संपर्क टूट चुका है विनीत से, लेकिन देखिए बड़ा झटका लगा है कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को और याचिका निरस्त कर दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज किया है। ज्ञान बापी केस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर देखिए हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है ज्ञान बापी केस में और साथ ही हिंदू पक्ष की याचिका निरस्त कर दी गई है। बड़ी अपडेट, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। बड़ी अपडेट, कोर्ट ने हिंदू पक्ष का प्रार्थना पत्र खारिज किया है और साथ ही आपको बता दें कि बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगता हुआ ज्ञान बापी केस को लेकर। यह बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष की याचिका जो है वो निरस्त कर दी गई है। और अब इस मामले में कहीं ना कहीं वकीलों को जिस तरीके से आप सुन रहे थे हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। ज्ञान बापी केस से जुड़ी हुई यह बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, बड़ा झटका लगता हुआ ज्ञान बापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है, जिसको लेकर आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की याचिका को निरस्त कर दिया गया। बताया कि मैं इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा और हाईकोर्ट में इसी अपना याचिका दाखिल करूंगा और सिविल में प्राविधान है कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई चीज खारिज किया है तो उसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट रिविजन दाखिल कर सकता हूँ, अपील दाखिल कर सकता हूँ। ये इनका अंतिम फैसला नहीं है, अंतिम फैसला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आएगा। तो देखिए बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी और इस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से आप वकील को सुन रहे थे, साफ तौर पर कहना है कि अब हाईकोर्ट की ओर रुख किया जाएगा। तो ज्ञान बापी केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा मामला, जिसमें आपको बता दें फिलहाल हिंदू पक्ष की याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली में हुए लाठीचार्ज के विरोध में यमुना घाटी में बाजार बंद का पूरा असर देखने को मिला। चप्पे